ज्यादा है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभावेष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवम्। श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते बोले जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त जय द्वैत चंद्र जय जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त आज के पावन दिवस गौर पूर्णिमा के उपलक्ष में आज महापदनायक सारे अवतारों में सबसे दयालु अवतार कलयुग के भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रकट दिवस है। भगवान श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के भाव में भक्त के रूप में आज ही के दिन नवद्वीप के मायापुर नामक जगह पे प्रकट हुए थे। तो जिस दिन चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे उस दिन चंद्र ग्रहण लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था? चंद्र ग्रहण। आज भी चंद्र ग्रहण लगा हुआ है लेकिन भारत में नहीं देख पाएंगे, हमारे देश में नहीं लग रहा है। तो उस दिन चंद्र ग्रहण लगा हुआ था और सब लोग गंगा नदी में स्नान कर रहे थे। देखिए भगवान श्री कृष्ण कहाँ प्रकट हुए? वृंदावन में। किनके तट पे? जमुना जी के तट पे। और सारी लीलाएं क्रीड़ाएं वो जमुना नदी में की। तो गंगा में बोले कि हमारा में कोई कमी है, मैंने हमारे क्या गलती हुआ, हम पे कृपा कर लिया हुई। तो चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण बोले अगली बार आप ही का नंबर आने वाला है। तो अगली बार हरे कृष्णा तो अगली बार भगवान श्री कृष्ण गंगा नदी के तट पे प्रकट हुए नवद्वीप के मायापुर में और उन्होंने गंगा मैया में सारी लीलाएं की सारी क्रीड़ाएं की बचपन की। तो जो नवद्वीप की गंगा मैया है वो सबसे पवित्र है।
जैसे हम लोग अपने यूपी बिहार में लोग कहाँ जाते हैं स्नान करने के लिए, प्रयाग में, हरिद्वार में, हर की पौड़ी में डुबकी लगाने जाते हैं। अगर गंगा, ऐसे तो गंगा मैया परम पवित्र है, लेकिन अगर सबसे पवित्र किसी जगह की गंगा मैया है तो कहाँ की? मायापुर की। क्यों? क्योंकि उसमें भगवान चैतन्य महाप्रभु का चरण चिन्ह पड़ा हुआ है, भगवान लीलाएं की हैं उसमें। तो आज ही के दिन प्रकट हुए थे भगवान सची माता और जगन्नाथ मिश्र के संतान के रूप में। तो क्यों प्रकट हुए थे? कल बताया गया था आपको कि भगवान अपनी प्रेमा भक्ति का वरदान देना चाह रहे थे सबको, राधा रानी के भाव का आस्वादन करना चाह रहे थे, अपने रूप माधुरी का आस्वादन करना चाह रहे थे, राधा रानी की स्थिति को समझना चाह रहे थे, उनके विरह भाव को समझना चाह रहे थे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। लेकिन एक तत्कालीन कारण भी हुआ था। क्या तत्कालीन कारण था? कि जैसे भगवान जब आते हैं तो उनसे पहले उनके सारे पार्षद आ जाते हैं, उसी तरह से भगवान चैतन्य महाप्रभु के आने से पहले उनके जितने भी पार्षद थे, उनके जितने भी भक्त थे, वो सब नवद्वीप के आसपास एरिया में प्रकट हो गए। तो आज की कथा हम लोग यहीं से शुरुआत करेंगे। महाप्रभु के जो जन्म की लीला है, ये चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के 13वें अध्याय में विस्तार से वर्णन किया गया है, कैसे उनका प्रकट हुआ ये विस्तार से वर्णन किया गया है। तो हम लोग उसी का एक श्लोक से शुरुआत करेंगे, आदि लीला अध्याय 13 श्लोक 71। तो ये अद्वैत आचार्य जो कि महाविष्णु के अवतार हैं, वो चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने से बहुत समय पहले प्रकट हो गए। कितने लोग निर्जल व्रत रखे हैं? निर्जल व्रत अभी तक निर्जल है या उपवास तोड़ लिए? कोई बात नहीं, एक आध घंटा और रहना पड़ेगा अगर अभी तक है आप। तो मैं ये बता रहा था कि चैतन्य महाप्रभु के आने से पहले उनके सारे भक्त, उनके माता पिता सब पहले प्रकट हो गए थे। एक्चुअली नंद बाबा के जो पिताजी थे, नाम किसी को याद है? नंद बाबा के पिताजी का नाम, उनके भाई का नाम मुझे याद है उपनंद, उनके पिताजी का नाम, तो जो भी थे वो भगवान श्री कृष्ण के दादाजी, वो प्रकट हुए थे पहले बांग्लादेश में, श्रीहट डिस्ट्रिक्ट, उसको श्रीहट डिस्ट्रिक्ट कहते हैं अभी, वहां प्रकट हुए थे। और फिर उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे जगन्नाथ मिश्र, जो कि वसुदेव जी और नंद बाबा के कंबाइंड फॉर्म है। और फिर जब वो नवद्वीप में आए तो उनका विवाह हुआ नीलाम्बर चक्रवर्ती की पुत्री सची माता से, और पहले उनकी 8 पुत्रियां हुई, फिर 9वें पुत्र के रूप में विश्वरूप प्रकट हुए, यानी कि नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए या बलराम जी, और फिर जो ये विश्वरूप है संन्यास लेने के बाद नित्यानंद प्रभु में जाके समाहित हो गए थे। तो दोनों एक ही तत्व हैं, वो प्रकट होते हैं और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। तो चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने का तात्कालिक कारण था कि अद्वैत आचार्य भी उस समय प्रकट हो गए थे नवद्वीप में, और वो ऐसे कथाएं चलाते थे, सेंटर चलाते थे, उनके सेंटर में 500 हजार हजार 5000 भक्त आते थे, और भगवत गीता भागवतम की कथा करते थे। कौन? अद्वैत आचार्य। कौन कहते थे? वो आचार्य है ना, महाविष्णु के अवतार है लेकिन गुरु के रूप में प्रकट हुए थे, और ईश्वरपुरी के गुरु भाई थे, यानी माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे, श्रील माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे ईश्वरपुरी, और उनके ही शिष्य थे, माधवेंद्रपुरी के ही शिष्य थे अद्वैत आचार्य। इसलिए चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य को अपने पिता तुल्य मानते थे, अपने गुरु तुल्य मानते थे, और बहुत बुजुर्ग भी थे अद्वैत आचार्य। पंच तत्व भगवान में सबसे बुजुर्ग अद्वैत आचार्य थे, वो प्रकट हुए थे। चैतन्य महाप्रभु से पहले नित्यानंद प्रभु भी प्रकट हो गए थे, बीरभूम डिस्ट्रिक्ट करके है बांग्लादेश, मतलब बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। आप इधर से जाएंगे तो वर्धमान पड़ता है ना, वर्धमान स्टेशन हावड़ा से जस्ट पहले, उसी स्टेशन से एक और लाइन निकलती है, उसी लाइन में नित्यानंद प्रभु का जन्म स्थान है। नाम बताएंगे कोई? एक चक्रा नगरी। कौन सा? एक चक्रा धाम, वो नित्यानंद प्रभु का जन्म स्थान है। तो आप नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए थे, भक्त लोग सबसे सब लोग पहले प्रकट हो गए थे चैतन्य महाप्रभु से। तो अद्वैत आचार्य अपने से खूब प्रचार करते थे, उन्हीं के सेंटर में आते आते विश्वरूप सन्यासी बन गए थे। हाँ, और ये जो तड़प था सची माता के हृदय में कांटा की तरह चुभ रहा था, अद्वैत आचार्य को नाड़ा कहते थे। क्या कहते थे प्यार से? तो सची माता को लगता था कि ये अद्वैत हमारे लड़कियों को बिगाड़ करके सन्यासी बनाया है ना, इसके क्लास में जाता था विश्वरूप और सन्यास ग्रहण कर लिया, सन्यासी बन गया।
अद्वैत आचार्य खूब प्रचार करते थे, लेकिन फिर भी कलयुग के प्रभाव को देख करके वो बड़े उदास हो गए और उनको लगा कि कलयुग के लोगों का उद्धार करने का एक ही मात्र उपाय है जब स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अगर इस धरती पे प्रकट हो और वो कलयुग के लोगों पे दया करे तभी जाकर के कलयुग के लोगों का उद्धार संभव है, अदरवाइज उद्धार उनका संभव नहीं है। ये कौन कह रहे हैं? महाविष्णु के अवतार। इसलिए कभी कंफ्यूजन होना कि कृष्ण बड़े कि विष्णु बड़े कि महाविष्णु बड़े कि कौन बड़े, तो परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण कौन, परम पुरुषोत्तम भगवान कौन है? श्री कृष्ण, नो डाउट महाविष्णु का अवतार है अद्वैत आचार्य। फिर भी किसको चाह रहे हैं, कौन प्रकट हो? भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो इस धरती पर, और इसके लिए वो भगवान श्री कृष्ण का आह्वान करने लगे और जोर जोर से पुकारने लगे, गंगा जी के तट पे शालिग्राम शिला पे तुलसी ओफर करके और गंगा जल से पूजा कर करके भगवान के लिए जोर जोर से रो रो करके पुकारने लगे, हुंकार करते हुए। अद्वैत आचार्य बड़े हैवी थे, हुंकार करते हुए भगवान को पुकार रहे हैं कि आप आइए, कलयुग के लोगों का उद्धार करने के लिए आप इस धरती पे प्रकट हुए। तो वहीं से हम श्लोक की शुरुआत करेंगे प्यार की, तो 71 है ये अध्याय 13 का 71। अब पीछे पीछे दोहरा सकते हैं, कृष्ण रहवान करे सघन हुंकार, कृष्ण रहवान करे कृष्ण रहवान करे सघन हुंकार, कृष्ण हुंकारे अकृष्ट है ब्रजेंद्र कुमार, हुंकारे अकृष्ट है। अद्वैत आचार्य ने क्या किया कि जोर जोर से हुंकार किया, जोर जोर से पुकारा, हे प्रभु प्रकट होइए, कलयुग के लोगों का उद्धार कीजिए, कलयुग के लोग तड़प रहे हैं, कई तरह की जटिलताओं में फंसे हुए हैं। एक्चुअली नवद्वीप उस समय शिक्षा का केंद्र था, आध्यात्मिक शिक्षा का केंद्र था, कौन सा? नवद्वीप। लेकिन वहां पर भी लोग जाकर के ना बिजनेस माइंडेड हो गए थे, भौतिकता से भौतिकता में लिप्त हो जाते थे, जबकि वह किस चीज के लिए था? आध्यात्मिक केंद्र था, आध्यात्मिक शिक्षा का केंद्र था, लेकिन वहां पर जाकर के भी लोग इंद्रिय तृप्ति में या भौतिक सुख समृद्धि में लिप्त हो जाते थे। जैसे आज भी लोग वृंदावन जाते थे, जाते हैं अभी भी, वृंदावन किसके लिए है? भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त करने के लिए। लेकिन वहां पर जाकर के लोग क्या करते हैं? जमीन जायदाद खरीद के फ्लैट बना करके रेंट पे दे रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, या कुछ बिजनेस खोल रहे हैं, बिजनेस माइंडेड या पिकनिक माइंडेड, जाकर के पिकनिक मनाएंगे, ऐसो आराम करेंगे। तो इसके लिए वृंदावन नहीं है। अब तो कई लोग जाकर के मोबाइल लेकर के रील बनाते हैं। मैं गया था एक बार दीपदान में कार्तिक महीने में, तो मैं राधा श्याम सुंदर के सामने बड़ी मुश्किल से आगे पहुंचते पहुंचते दीप दिखा रहा था, तब तक माता जी अपना वो मोबाइल निकाल करके ऐसे भगवान के सामने, माता दीप तो दिखा लीजिए, कम से कम दीप तो दिखा दे दीजिए आपको। तो लोग जाकर के वृंदावन में क्या करना चाहते हैं? रील्स बनाने। वो रील्स का क्या करेंगे? फेसबुक पर डालेंगे और सुबह उठ कर देखेंगे कितना लाइक हुआ, कितना कमेंट हुआ, बस। इसके लिए वृंदावन नहीं है, वृंदावन है भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए। उसी तरह से नवद्वीप में लोग आकर के भौतिकता में लिप्त हो गए थे, तो अद्वैत आचार्य बड़े दुखी थे और उन्होंने जोर जोर से हुंकार किया, आह्वान किया भगवान श्री कृष्ण का कि आप प्रकट होइए। उनकी आह्वान सुन करके भगवान कृष्ण और आकृष्ट हो गए। ऐसे भी भगवान कृष्ण को प्रकट होना था, लेकिन वो जल्दी प्रकट होना चाह रहे थे, ललायक हो गए प्रकट होने के लिए। जैसे कि नारद मुनि क्या करते हैं, भगवान की जो लीलाएं होने वाली होती है उसको तेजी प्रदान कर देते हैं, उसमें कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं और उसको और तेज गति से वो लीलाएं एग्जीक्यूट कराते हैं। उसी तरह से अद्वैत आचार्य जब पुकारे तो भगवान एकदम ललायक हो उठे, इस धरती पर प्रकट होने के लिए अपना मन बना लिए कि अब चल रहा है धरती पर। तब वो किसको चुने? अपने भक्त जगन्नाथ मिश्र और शशि माता को चुने और उनके पुत्र के रूप में प्रकट हो। एक बार फिर से मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करूंगा कि आप सब थोड़ा आगे आगे आ जाइए, यहाँ तक आ जाइए ना, क्या दिखे माता जी, इधर तक आ जाइए, डरिए मत, इधर तक आगे आगे एक बार आ जाइए ताकि पीछे के लोग भी बैठ सके। आ जाइए जल्दी जल्दी, आप ही के लिए इंतजार कर, जल्दी आ जाइए, भगवान के सामने, भगवान के पास चलना है ना, भगवान उधर है खड़े, और थोड़ा पहुंचिए पास में और दो कदम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।
आज के क्लास में बेसिकली हम लोग जन्म की लीला भी पढ़ेंगे और साथ में चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं पढ़ेंगे। कथा भी महत्वपूर्ण है और उसके साथ साथ टीचिंग्स भी महत्वपूर्ण है। टीचिंग्स ज्यादा महत्वपूर्ण है, शिक्षा क्या देते हैं चैतन्य महाप्रभु ये हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम जन्म की लीला भी पढ़ेंगे थोड़ी सी और फिर टीचिंग्स पढ़ेंगे भगवान चैतन्य महाप्रभु ने क्या सिखाया हमसे। तो जब चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण आने के लिए तैयार हो गया, द्वैताचार्य की पुकार सुनकर के सची माता के पुत्र के रूप में, तो सची माता के पहले वो जगन्नाथ मिश्र के हृदय में प्रकट हुए, फिर सची माता के हृदय में प्रकट हो गए या कहें कि उनके गर्भ में प्रकट हो गए। 13 महीने तक चैतन्य महाप्रभु अपनी माता के गर्भ में रहा, जबकि बच्चा कितने महीने में बाहर आ जाता है, 9 महीने के आसपास में बच्चा बाहर आ जाता है, 13 महीने तक बाहर ही नहीं आया। और जगन्नाथ मिश्र सची माता ये सब प्रफुल्लित दिख रहे थे, चमक रहे थे, दमक थी इनके चेहरे को और सब कुछ शुभ हो रहा था इनके घर में, सब कुछ शुभ शुभ हो रहा था। जैसे भगवान श्री कृष्ण जब माता देवकी के गर्भ में थे तो देवी देवता लोग आकर के प्रार्थना करते थे कंस के कारागार में, उसी तरह से ये सची माता के और जगन्नाथ मिश्र के घर में भी हो रहा था वैसा ही वातावरण। तो जगन्नाथ मिश्र समझ गए कि अब कोई ना कोई महापुरुष आने वाला है, तो बल्कि महापुरुष नहीं बल्कि परम पुरुषोत्तम भगवान आने वाले हैं। तो इसी फागुन मास के पूर्णिमा के दिन 13 महीने के बाद 1386 ईस्वी में 1486 ईस्वी में भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए 9 दिन के मायापुर। और जब प्रकट हुए तो चंद्रग्रहण लगा हुआ था और सब लोग क्या बोल रहे थे, हरी 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 हरी। बांग्ला में ना ओ नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं वो लोग, ओ। क्या कहते हैं, ओ। ओ। जैसे मान लीजिए आकाश है ना, वो कास ना ओ लगा के बोलेंगे, आपको तो हरी नहीं बोल रहे थे, क्या बोलते हैं, होरी 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 रसगुल्ला, रसगुल्ला नहीं रसगुल्ला, ऐसे तो ऐसे बोल रहे थे। बहुत मीठी भाषा है बांग्ला, बहुत ही मीठी भाषा है, चैतन्य चरित में बांग्ला में लिखी गई है, आप भी पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा, इसी ऐसे बांग्ला में लिखा गया कि आप भी पढ़ के समझ सकते हैं, खाली बंगाली तैयार पढ़ेंगे। तो सब लोग हरी हरी चिल्ला रहे, मैं सब लोग कह रहा हूँ इसका मतलब मुसलमान लोग भी चिल्ला रहे। नवद्वीप में खाली हिंदू नहीं थे, मुस्लिम भी थे, और उस समय नवाब हुसैन शाह का राज था, मुसलमानों का राज था बंगाल में, या हमारे देश में कहें तो नवाब हुसैन शाह बंगाल के राजा थे उस समय, उस प्रांत के, बंगाल उड़ीसा या उसी में बिहार भी आता था, उस प्रांत के राजा थे। तो मुसलमान लोग भी बोल रहे थे, मुसलमान लोग कैसे बोल रहे थे, वो हिंदुओं को चिढ़ा रहे थे, हिंदू लोग क्या बोल रहे थे, होरी 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 होरी, मुसलमान लोग बोल रहे थे हिंदू लोग पगला गया है क्या, ये लोग क्या बोल रहा है, होरी होरी हरी 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 हरी, हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए मुसलमान लोग क्या बोल रहे थे, और सब जगह हरी हरी हरे कृष्णा कीर्तन गूंज रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे। सब लोग गंगा नदी में स्नान कर रहे थे और कीर्तन कर रहे थे चंद्रग्रहण के दिन, और उसी दिन भगवान गौरहन प्रकट हुए थे, और प्रकट होते समय ही उन्होंने क्या बोलना शुरू कर दिया, ओरी ओरी। वो रोते थे कि समाज में आजकल के बच्चा प्रकट होते हैं, जन्म लेता है बच्चा रो, तो नर्स सबसे पहले देखती है कि बच्चा रो रहा है कि नहीं रो रहा है, नहीं रो रहा होता है तो बेचारे को उल्टा लटका के, ऐसे उल्टा लटका के चटाक चटाक चटाक, तो बोले अब ठीक है, माने पहले दिन ही बता जाता है कि बेटा इस संसार में तेरे को डंडे पड़ेंगे ही पड़ेंगे, और तू क्या करेगा, चिल्लाते रहेगा पूरा जीवन, पहले ही दिन इंडिकेशन दिया जाता है कि इस भौतिक संसार में तुम आए हो तो क्या पड़ेंगे, डंडे ही डंडे पड़ेंगे। जब बच्चे रहते हैं हम लोग तो नहीं खेलने के लिए डंडा पड़ता है, खेल के रहे हो बदमाशी क्यों कर रहे हो, जब थोड़ा बड़े होते हैं तो पढ़ाई का प्रेशर आता है, तो हम लोगों को जब हम लोग बच्चे थे तो लगता था ना मैट्रिक पास कर लो बस बेटा नौकरी कंफर्म, ऐसा हम लोग को सिखाया गया था, हमने इतना पढ़ाई किया था कि चाट गया था किताब को, हाँ उसके बाद मैट्रिक डिस्टिंक्शन से पास हुआ, फिर पता चला कि नहीं मैट्रिक से कुछ काम होने वाला नहीं है, अब क्या करना पड़ेगा, अपनी को आईएससी की तैयारी करनी पड़ेगी, पटना जाना पड़ेगा, कोटा जाना पड़ेगा, इंजीनियरिंग की तैयारी करनी पड़ेगी, तब बताया गया इंजीनियरिंग कर लोगे ना इंजीनियरिंग कॉलेज में खाली एडमिशन लो लगे तब नौकरी पक्की है। हम लोग को कंफ्यूजन हो गया कि सही बात है इंजीनियरिंग कॉलेज में खाली एडमिशन होने से नौकरी पक्की है, 4 साल बीत गए पता चला कि
इंटरव्यू में ही निकाल दिया। अब पता चला कि मेरी कॉलेज भी खाली एडमिशन लेने से भी नौकरी नहीं मिलती है, दिल्ली जाके तैयारी करनी पड़ती है तब जाके नौकरी मिलती है। तो ऐसे आधी जीवन निकल जाती है, आधे जीवन के बाद शादी ब्याह शुरू होता है। उस दिन तो बड़ा मजा आता है, घोड़ी पे चढ़ के जाने में, रथ पे बैठ के जाने में बैंड बजा बजता है, और उसके बाद पूरी जिंदगी बैंड बजा बजती है। एक दिन का बैंड बजा के बंदे पूरी जिंदगी, इसी तरह से ये जिंदगी चलती है। और फिर जब बुढ़ापा आता है तो फिर से रोना शुरू कर देते हैं, हमारे ये बर्बाद बर्बाद। बचपन में रोए पहले दिन, पहले ही दिन रोए थे और अंत समय में भी रोएंगे। फिर इसके बाद मृत्यु आती है, और मृत्यु आती है तब विश्वास कीजिए जिनका प्राण छूटने वाला होता है ना, उनको जमदूत दिखाई देते हैं। जिनका प्राण छूटने वाला होता है उनको कौन दिखाई देते हैं? और बड़े भयानक होते हैं। भागवत में वर्णन है जब आदमी का शरीर छूट रहा था, बड़े भयानक होते हैं जमदूत, लंबी लंबी दांत होती है, विकराल रूप होता है उनका, उनको देख करके रोते हैं भी। तो देखिएगा आप लोग जो मरणासन में होते हैं कई दिनों से कुछ नहीं खाए होते हैं, लेकिन जब प्राण छूटता है ना तो सुसुप उठ सब हो जाता है। कैसे? जमदूतों को देख करके भय के कारण रोते रोते आए थे और रोते रोते ही जाना है। ये फिल्मी दुनिया वाले मूर्ख बनाते थे, मूर्ख बनाते हैं अभी भी, कि हंसते हुए, कोई हंसते हुए नहीं आता। आपने कोई बच्चा को देखा है जो जन्म लिया बोला हाय नस बस तो रोते हुए ही आते हैं और रोते हुए ही यहाँ से जाते हैं। लेकिन चेतन महाप्रभु आए थे तो हरी हरी हरि कीर्तन करते हुए आए थे, और हरि कीर्तन ही किए और हरि कीर्तन करते हुए ही गए इस धाम से। तो कोई भी आता है तो उसके साथ पहले जन्म से ही पता चलता है कि क्या करेगा। तो जब चेतन महाप्रभु छोटे थे तो रोते थे, चेतन महाप्रभु का आवाज बादल की तरह थी, जैसे बादल जब गरजते हैं ना, वैसे चैतन्य महाप्रभु की आवाज थी गरजते हुए बादल। तो महाप्रभु होते थे तो चुप नहीं होते थे, फिर कोई बोलता था हरी 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 चुप हो जाते थे। तो लड़कियां क्या करती थी, चुट्टी काटती थी, उनको रुला देती थी, चुट्टी काटती थी तो हरी 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 हरी। इस तरह से बचपन से ही महाप्रभु ने क्या दिखाया, वो क्या करने के लिए आए हैं? संकीर्तन का प्रचार करने के लिए आए हैं, हरि कीर्तन का, भगवान के नाम का प्रचार करने के लिए। और उनकी बचपन से ही संकीर्तन आंदोलन शुरू हो गया था, बचपन से ही वो प्रचार करना शुरू कर दिए थे। जब प्रकट हुए थे तो नीम के पेड़ के नीचे प्रकट हुए थे, इसलिए उनका नाम निमाई पड़ा था। बहुत ही कम उम्र में विद्वान बन गए थे, सारे वेद शास्त्र तो उन्हीं से निकलते हैं ना, ब्रह्मा जी उन्होंने ही दीक्षा दिया है वेदों की और गायत्री की, सब कुछ उन्हीं से उद्भूत होते हैं। 7-8 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में पाठशाला खोल दिए थे, अपने से बड़े विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। उनका नाम पड़ गया निमाई पंडित, और जब संन्यास लिए तो नाम क्या पड़ गया, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। इस तरह से 48 साल तक महाप्रभु रहे थे, और 48 साल उन्होंने संकीर्तन आंदोलन का प्रचार प्रसार। तो हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हम सब किनके आंदोलन से जुड़े हैं, मोदी जी के या नीतीश चाचा के, किनके आंदोलन से? चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन से जुड़े हैं, और ये आंदोलन हमें भगवत धाम तक पहुंचाएगा। तो सौभाग्य साथ सौभाग्य हम सबका कि हम चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन से जुड़े हुए हैं, और उन्हीं के आंदोलन में उनके प्रमुख सेनापति भक्त आते हैं श्रील प्रभुपाद जी, इन्होंने की पूरे विश्व में इस संकीर्तन आंदोलन का प्रचार किया। आज विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है, कोई देश नहीं है जहां पे इस्कॉन के भक्त नहीं है। भले वहां पे बहुत बड़ा मंदिर ना हो, लेकिन बेस पिचिंग होती है अंडरग्राउंड, चाइना में भी पिचिंग होती है। कोरोना से पहले गुरु महाराज चाइना से ही प्रचार करके आ रहे थे, चाइना में भी प्रचार होता है। चाइना में भी 20,000 से दीक्षित भक्त है, दीक्षा लिए हुए भक्त है 20,000। मैंने भी एक चाइनीज ग्रुप से मिला था, चाइना में भी भक्त है, पाकिस्तान में इस्कॉन के 12 मंदिर है। आज पूरे विश्व में भक्ति का प्रचार हो रहा है। उगांडा का नाम सुने आप लोग? वो दक्षिण अफ्रीका वाला में सब देश जहाँ कोई नहीं जाना चाहता है, खाने के लिए कुछ नहीं रहता उधर, वहां पर भी भक्त जाके प्रचार कर रहे हैं। सब जगह आज प्रचार है चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन का, संकीर्तन आंदोलन का। तो महाप्रभु 48 वर्ष तक इस धरती पर रहे थे, ईश्वर पुरुष से उन्होंने दीक्षा लिया था। किनसे दीक्षा लिया था?
तो दीक्षा लेने से पहले वो थोड़े शरारती थे, शरारती थोड़े नहीं बहुत ही ज्यादा शरारती थे, किसी को भी घुमा देते थे। माने कोई पंडित आ रहा है उधर से ना पोथी पत्र लिए हुए तो बोलते इधर सुनो कहाँ जा रहे हो, ब्याह कराने जाना है, तो ब्याह में कौन सा मंत्र पढ़ते हैं, ये मंत्र पढ़ते हैं, उसी को घुमा देते थे। अंत में बेचारा रोने लगता था कि मैं कौन सा मंत्र पढ़ूं, उल्टा सीधा सब घुमा देते थे उसको, तो बहुत से कांड करते थे, बहुत परेशान करते थे। जैसे भगवान श्री कृष्ण नटखट लीलाएं करते थे वैसे ही चतुर महापुरुष भी करते थे। मैंने आपको कल पंडित जी के पास आई थी कि ब्राह्मण आए थे, जब भी भोग लगा रहे थे तो वो बेचारे आगे जूठा कर दे रहे थे। वो ब्राह्मण निकले थे पूरे भारत भ्रमण पे, और जब चतुर महापुरुष का दर्शन हो गया तो बोले तीर्थ यात्रा कैंसिल, अब हम कहा रहेंगे, नवद्वीप में ही रहेंगे। उन्होंने अपनी तीर्थ यात्रा कैंसिल कर दी और बगल में कुटिया बना लिया, अपना बगल में एक छोटा फड़ाई बना लिया और वहीं पर रहते थे, भगवान का भजन करना शुरू कर दिया। लेकिन जब दीक्षा लिए ना तो चैतन्य महाप्रभु एकदम सीरियस हो गए, बेहद सीरियस हो गए, और इतने सीरियस हो गए कि अपना शुद्ध बुद्ध खो चुके थे और दिन भर क्या करते थे, हरि नाम का प्रचार करते थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। फिर इसके बाद उनसे आकर के नित्यानंद प्रभु भी मिल गया, द्वैताचार्य मिल गए, श्रीवास ठाकुर मिल गए, उनके सारे जो परिकर थे सब आकर के नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु से मिल गए। उनके बड़े भाई संन्यास ले चुके थे, इनका विवाह कर दी शशि भैया है ना, पहली पत्नी थी लक्ष्मी प्रिया, दूसरी पत्नी विष्णु प्रिया। जब संन्यास ले रहे थे तो विष्णु प्रिया माता मात्र 16 साल की थी, वो रोने लगी कि आप चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा। चैतन्य महाप्रभु समझाए कि हम आए हैं यहाँ पे संकीर्तन का प्रचार करने के लिए, कलयुग के लोगों का उद्धार करने के लिए। तो फिर उनको दर्शन दिए महाप्रभु और अपना ही शरीर से विग्रह प्रकट किए, अपने ही शरीर से, और उसी विग्रह की सेवा करते रही पूरा जीवन। कौन? विष्णु प्रिया माता माला करती थी, जितना माला करती थी उतना चावल का दाना निकाल कर रखती थी। हम लोग ऐसे इससे गिनते हैं ना, काउंट करते हैं, वो तो चावल से काउंट करती थी, और दिन भर माला करने के बाद जितना चावल इकट्ठा होता था उसी चावल को रात को पकाती थी, वही महापुरुष को भोग लगा कर उतना ही खाते रह जाती, इतनी कठोर व्रत करती थी और भगवान के नाम का जप करती। तो महापुरुष दीक्षा लेने के बाद बेहद सीरियस हो गए। इससे हमको शिक्षा क्या मिलती है कि जब तक दीक्षा नहीं होता है, वैसे भी दीक्षा से पहले भी हमें सीरियस रहना चाहिए, तभी दीक्षा होगा। आजकल दीक्षा इसको बहुत टाइप हो चुका है, बहुत सारे इंटरव्यू लिए जाते हैं, तो दीक्षा से पहले भी सीरियस रहना है, लेकिन अगर दीक्षा ले लिए बेहद सीरियस हो जाना ना। गुरु से जब हम दीक्षा लेते हैं तो ये कोई खिलवाड़ नहीं है, बूढ़े बुढ़िया का खेल नहीं है कि हमने दीक्षा ले लिया या शौक से दीक्षा ले लिया। जब दीक्षा लेते हैं ना तो बहुत ही कठोरता से 4 नियमों का पालन और 16 माला का जप करना चाहिए। जब मेरी दीक्षा होते गुरु महाराज से कहा था, जानते थे गुरु महाराज बदमाश से नलायक है, उन्होंने पूछा था इसको नहीं ना छोड़ोगे, नहीं महाराज नहीं छोड़ूंगा, फिर पूछे इसको नहीं ना छोड़ोगे, नहीं महाराज नहीं छोड़ूंगा, फिर तीसरा बार पूछे, मैं बोले कि महाराज सूरत पूर्व से उठना छोड़ सकता है लेकिन रमन हरिदास इसको हम नहीं छोड़ सकता है। तो कुछ भी हो, हमें यहाँ पे आपस में मन मुटाव हो जाए, कुछ समस्याएं आ जाए, आएंगी समस्याएं, जब बर्तन रहता है तो खटखट होती है, कुछ भी हो हमें इस्कॉन को छोड़ना, अगर हमारा इस्कॉन से उद्धार नहीं हो सकता तो कहीं उद्धार नहीं हो सकता, स्वयं ब्रह्मा जी भी हमारा उद्धार नहीं कर सकते। अगर हम इस्कॉन में रह करके अपना उद्धार नहीं करा सके, इस्कॉन में रह करके हम अगर भौतिक बंधनों से मुक्त नहीं हो सके तो ब्रह्मा जी भी हमारा उद्धार नहीं कर सकते। इसलिए कुछ भी हो इस्कॉन नहीं छोड़ना है। एक बार एक संस्था से मुझे लाला चाहा था, यूट्यूब पे फोन कर दिया था उन्होंने, मैं नंबर दे दिया था, इस तरह से मिलेगा उसको, उसने बोला था कि आप मेरे तरफ आ जाइए